आखिर क्या है बंगाल स्ट्रेन? ये जो आ रहा है ये लगभग 3 से 4 गुना ज्यादा बच्चों में अफेक्ट कर रहा है। उसके अंदर अब इस थ्योरी के हिसाब से 3-4 चीजें आई हैं। नंबर 1, हमें बहुत जागरूक रहना चाहिए, मास्क हर वक्त पहनना चाहिए। नंबर 2, वेल वेंटिलेटेड रखें अपने रूम्स को। नंबर 3, जिन एसीज के अंदर एयर का बार बार उसी एयर का सर्कुलेशन होता है वहां पर हम उस तरह से ना करें, क्योंकि अगर उसी एयर को बार बार सर्कुलेट करते रहेंगे तो वायरस वहीं घूमता रहेगा और वो हमारे को इन्फेक्शन दे देगा। और 4th चीज ये है कि आउटडोर इज बेटर देन इंडोर। जो बाहर का वातावरण है, खुला वातावरण है, वो शायद इंडोर के वातावरण से बेटर है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे हम बाहर जाके जो है रैलीज करें, धरने करें, प्रदर्शन करें, वो मतलब नहीं है। बच्चों में हो तो काफी रहा है। अच्छी बात यह है कि अभी बच्चे बहुत ज्यादा सीरियस नहीं हो रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। लेकिन छोटे से छोटे बच्चों को, अभी मैंने हफ्ता पहले ही 1 3 महीने और 1 4 महीने बच्चे को कोरोना से डायग्नोस किया है और ये बच्चों के अंदर आ रहा है। और हमारे को मेन चिंता का विषय ये है कि हमारे जो बच्चे हैं 41% हैं 18 साल से छोटे, वो वैक्सीनेटेड नहीं है और वैक्सीन अभी आने के लिए कम से कम 3 से 4 महीने लगेंगे। तो मुझे लगता है कंपनीज को चाहिए कि तुरंत बच्चों के वैक्सीन की ट्रायल शुरू करें और बच्चों की वैक्सीन लाएं ताकि ये वायरस उनको एनगल्फ न कर सके।